शाम को एक ये चाँसनी छूट गई थी, चलो जी तो हम इसको भी ले जाना है ये बात ऊपर। करनी ताऊ जी चाहते उन्होंने एक काम अच्छा किया, सीधा आते ही सब्जी लेने चले गए। देखो देखो अभी तक उठे ही नहीं, अब उठ रहे। हैं। ले ले मेरी ड्यूटी थी सुबह से सब्जी वगैरह बनाने की, लगभग 10 से 15 सब्जी बनानी है। लास्ट में बर्तन वाले की ड्यूटी, बर्तन वगैरह मांजना बस। लास्ट में दीदी जी और भाभी जी और सब देख लो बस। सुबह उठते ही बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है, तो सामने की पहाड़ियों पे देख लो, मस्त सी धूप लगी है, हल्का हल्का धुंध छाया हुआ है, और सुबह का नज़ारा देख लो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। बाकी आज एक खास दिन है, आज है 2 अक्टूबर। पहले तो स्कूलों में धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन अब 2 अक्टूबर के दिन छुट्टी हो जा रही है स्कूल की, और साथ साथ में आज पितृ विसर्जन यानी आज श्राद्ध पक्ष का लास्ट दिन है। तो हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात, होगी एक खूबसूरत दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉक के साथ। तो सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं, तो अभी सूर्य देवता भी प्रकट हो गए हैं। साथ साथ में आज गोलू पहली बार देख रहा हूँ मैं इतने जल्दी उठ रहा है, तो गोलू मेरे साथ आज हमने सुबह सुबह जाना है सुभाष सौरव के यहाँ। भाई यहीं पे है भूमियाल देवता का मंदिर, तो जय हो भूमियाल देवता। सुबह सुबह दर्शन भी हो गए, कि इसको पता नहीं है कि आज सुभाष सौरव के यहाँ सुभाष के दादी का श्राद्ध है, तो सभी गांव वालों का खाना वहीं होगा आज, तो काम करने भी जाना पड़ता है, और इसको पता नहीं था बिल्कुल भी, पता नहीं गांव में रहता कि नहीं रहता। तो है पता था मेरे को वो तो। हाँ खाली डिंग मार रहा। बाकी कल शाम को एक ये चांसनी छूट गई थी, चलो जी तो इसको भी ले जाना है ये बात ऊपर करनी ताऊ जी चाहते और के यहाँ, हैं। क्योंकि जो आज श्राद्ध होना है वो होना है ताऊ जी और के यहाँ। सभी मतलब 2-3 परिवार हैं सुभाष और हो, तो वही होगा एक साथ। आते ही काम शुरू हो गया है हमारे, आते ही आग वगैरह जला करके सभी ने और चूल्हे में पानी वगैरह रख दिया है। बाकी अब काम रहता है सब्जी वगैरह काटना, और सब्जी वगैरह जो खाना वगैरह है वो तो ताऊजी बनाएंगे, तो ये लेके आ गए सब्जी वगैरह, यहाँ देख लो। चलो भाई गोलू ने एक काम अच्छा किया, सीधा आते ही सब्जी लेने चले गए। देखो देखो अभी तक उठे ही नहीं, अब उठ रहे। ले ले नहीं पता ची वीडियो में कहीं मुड़ी ली भैया ये डाय दे ये काटल दे बेला। तो भाई ये अभी कद्दू भी निकाले हैं फ्रेश फ्रेश अभी खेत से, तो इसको भी लौकी के साथ मिक्स करके सब्जी में डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां वगैरह बननी है, तो उसमें ये भी मिक्स हो जाएगी। चलिए भाई फटाफट सब्जी काट लेते हैं, इस काम को इंसान को तो क्या बोलना, क्योंकि जब सब काम लास्ट हो जाता है ना तब आता ही। आज पहुंच गया टाइम पे। हाँ चलो बोल दिया इसने अपने मुँह से, आज टाइम से पहुंचो। तो भाई मेरी ड्यूटी थी सुबह से सब्जी वगैरह बनाने की, लगभग 10 से 15 सब्जी बनानी है, तो मैंने 13 सब्जी कंप्लीट कर दी है, 2 सब्जी और बचे हैं उनको भी बना देते हैं फटाफट। वहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं हो रहा ना, तो अभी एक चक्कर मुंह धो के आगे फिर से आँख पे पानी मार करके, और अभी देख लो यहाँ देख लो धुआं पूरा। लास्ट में बड़े भाई जी लगे हैं, एक एकमात्र अकेले लगे हैं तब से, बीच में घर गए ना ऐसा नहीं बोलूँ। अब ये सलाद वगैरह कट रहे हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह लगभग कंप्लीट बन गए हैं, बस अब भात दाल बनाने वाले आएंगे। तो चले जी फाइनली अभी जो सब्जी वगैरह बनाना था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। बाकी यहाँ पे लगे हैं महिलाएं देख लो पकोड़े और ये पापड़ वगैरह तलने पे, और कुछ अंदर हैं वो बना रहे हैं, कुछ खाली आराम कर रहे हैं, जैसे इधर यहाँ देख लो केवल धूप सेक रहे हैं, क्यों नानी जी चाची जी और सारे। तो दिन के 12 बज गए हैं, तो अंदर जो पूजा वगैरह है पितरों की वो हो रही है, तो
तो तब तक नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। आज सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है तो नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में हमारा बन रहा है मैगी और बाकी ये पूड़ियाँ हैं, पूड़ी के साथ मैगी, क्योंकि अभी खाने में बहुत टाइम है सर ना, तब तक हम दोनों करते हैं नाश्ता मैगी के साथ। चलिए भाई, दिन के 2 बजने वाले हैं और अब जाके पूजा वगैरह संपन्न हुआ है तो अब जाके प्रसाद वगैरह बढ़ना शुरू होगा। दिन के 2:30 बज रहे हैं, अब जाके लास्ट पंगत में खा रहे खाना। बाकी अभी इतने लंबी लाइन लगी है, देख लो उधर जाने तक पूरे चौक भर गया है और यहाँ तक लास्ट नवीन भाई है। ये दूसरी बार खा रहा, अब एक बार खा लिया। फाइनली खाना वगैरह खा करके यानी प्रसाद ग्रहण करके अब चलते हैं घर की ओर। लास्ट में बर्तन वाले की ड्यूटी, बर्तन वगैरह मांजना बस। डॉक्टर साहब दिखी लाज है। लास्ट में दीदी जी और भाभी जी और सब देख लो बस, लगे रहो तुम आराम से, हम चलो। चलिए भाई, शाम के 3 बज रहे हैं और आज सुबह 7 बजे घर से आ गए थे तो उस समय से यही है, यानी सुबह जितना भी उधर काम वगैरह जो सब्जी वगैरह बनाने की ड्यूटी थी वो करके और अभी प्रसाद वगैरह बांट करके लास्ट पंगत में बैठे थे तो अपना अभी मस्त से भोजन वगैरह हो गया है तो अब चलते हैं घर की ओर। शाम के टाइम नंदा माता मंदिर की तरफ आए हैं और यहाँ से देख लो अब मंदिर लगभग कंप्लीट हो गया है, केवल वो लास्ट वाला स्टेप रह रखा ऊपर से गुंबद वगैरह बनाने का, बाकी बिल्कुल रोड के पास ही में है। जैसे ही तपोवन से गांव की तरफ आते हैं ना सीधे दर्शन हो जाएंगे और यहाँ से माँ भगवती के दर्शन भी हो जाते हैं और ये वाली रोड है बॉर्डर रोड। थोड़ी देर में पितरों को सुलाना भी है तो अभी जो घर में सुबह पूजा हुई थी होगी, मैं तो आज सुबह से ऊपर ताऊ जी और को गया था तो मैं घर पे पूजा में रह नहीं पाया तो अभी थोड़ी देर में जब पितरों को सुलाएंगे छत पे तब जाएंगे, तब दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल तो गोलू के पापा को स्कूटी सिखा रहे हैं तो ट्रेनिंग का आज 4th दिन है लेकिन कोई भी मतलब बदलाव चेंजेस कुछ नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं थोड़ा बहुत आज भी सिखा देते हैं। कल से तो हम लगातार शादियों में हैं तब पता नहीं कैसे होगा।